एक्सपेक्टेशंस थी और बिल्कुल वैसा ही होता हुआ आपको नजर आ रहा है। हर रोज देखिए एक एक मिड कैप आईटी कंपनियां, उनके नंबर्स आते हैं, अच्छे आते हैं, और टायर कंपनियों ने भी देखिए अब अच्छे नंबर्स देने की शुरुआत कर दी है। तो इन दो सेक्टर्स के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। और आज क्योंकि टायर कंपनियों के नंबर्स की बात है तो 10 में से 5 स्टॉक्स टायर स्पेस से मैंने आज अपनी टीम में शामिल किए। मेरी टीम में भी देखिए आपको खरीदारी पे ही पूरा फोकस हमने यहाँ पे रखा है और एक आध शेयर यहाँ पे जो सेल साइड के हमने रखे हैं। लेकिन बजाज फाइनेंस जो शुरुआत में हमने कहा था कि इस पे बेच के चलिए, उसका मेरा मानना यह है कि जिस तरीके से नतीजे इन्होंने पेश किए उसमें अंतिम के कुछ दिन जो मार्च के थे वो इनके लिए दिक्कत भरे थे। तो अब आने वाले वक्त में चूँकि पूरा सीजन ही लॉकडाउन का चल रहा है तो बड़ी दिक्कत हो सकती है, बहुत सारी चेक बाउंसेस हो रही हैं, तो वो हमें लगता है सेल कॉल होनी चाहिए। लेकिन अपोलो टायर्स ने नतीजे अच्छे लिए हैं तो यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। उज्जीवन फाइनेंस बैंक जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसके नतीजे बहुत बेहतर हैं और गवर्नमेंट का जो सेफगार्ड है छोटे छोटे बैंकों और SMEs के लिए वो बहुत पॉजिटिव है, तो यहाँ खरीदारी की जा सकती है। लिंकन फार्मा को यूरोपियन मार्केट की एंट्री मिल गई है, वहाँ के बाजारों से इनको मंजूरी मिल गई कि अपना अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पे बेच सकते हैं, तो ये एक बड़ा पॉजिटिव खबर इनके लिए है। भारतीय और डीलिंग दो हमने स्टॉक यहाँ पे रखे हैं, टेलीकॉम सेक्टर पे खास फोकस है और भारतीय मेरा बहुत लंबा टारगेट है और इसको होल्ड करके रखना चाहिए, यहाँ से स्टॉक आउट परफॉर्म करता रहेगा। आज अगर ये मान लीजिए गिर जाता, कल 11% चला था, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये ट्रेडर्स लोग इससे थोड़ा दूर रहे, लेकिन अगर गिरता है तो जो पोजिशनल ट्रेड लेना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट लेना चाहते हैं, उनको जरूर खरीदना चाहिए स्टॉक। इसके साथ ही नोसिल, एप्कोटेक्स, PI और फाइन ऑर्गेनिक्स में खरीदारी करिए, क्योंकि खबरें ये निकल के आ रही, सरकार एक 15% का कोविड टैक्स लगाने की तैयारी में है केमिकल और पेट्रोकेमिकल इस जो प्रोडक्ट है उसके इम्पोर्ट पे, तो ये एक बड़ा जबरदस्त सेफगार्ड होगा घरेलू इंडस्ट्री के लिए, तो यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। बिल्कुल, तो इसके ऊपर नजर रहेगी, लेकिन नजर रहेगी देखिए FIIs के फिगर्स पर भी,